मैम बताइए कहाँ राजकोष में किस तरीके से ये सामान जा रहा है और कहाँ कहाँ के लोग इन्हें इस सामान को दान दिया है। आनंद विहार वार्ड में हमने पिछले सप्ताह 8 दिन पहले तकरीबन ये यहाँ पे एक कैंपेन शुरू करा था कि केरल में जो हमारे भाई बहन इस टाइम क्षतविक्षत हो गए हैं विभाषिका जो बाढ़ की आई है वहाँ पर, ये कैंप शुरू करा था। काफ़ी अच्छा सहयोग सभी कॉलोनीज से, सभी समाज की संस्थाओं से और सभी स्वयं सेवकों से हमारे को यहाँ पर उनके माध्यम से मिला है। सेवा भारती जो हमारा संघ का प्रकल्प है उनके माध्यम से यह सामान केरल भेजा जाएगा। बहुत ज़्यादा विशेष सहयोग इसमें हमें किरण विहार कॉलोनी से मिला है। यहाँ के अध्यक्ष हैं श्याम अग्रवाल जी, जिन्होंने पर्सनली फॉलोअप करके सभी से एकत्रित करके कुल मिलाकर तकरीबन हमने यहाँ पर 2100 किलो अनाज इकट्ठा किया है। बिस्किट्स, नमकीन, टॉयलेटरीज और उसके अंदर सैनिटरी पैड्स भी हैं, उसमें ओडोमोस, कैंडल्स, मैच बॉक्सेस, हर तरह का सामान हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। हमारे संघ के माध्यम से ही वहाँ पर पहुँचाया जाएगा एयरपोर्ट पर और उन्हीं के माध्यम से केरल में वितरित किया जाएगा। तो कितना लोगों का सहयोग मिला इस राशि सामग्री को इकट्ठा करने में? मुझे एक हफ्ते पहले गुंजन जी ने बताया था कि केरल सामान भेजना है। मैंने सोसाइटी में व्हाट्सएप पर डाला थे और उससे जितने से भी मैंने संपर्क करा सब ने सहायता दी है। हमने चावल और सब तरह की दालें इकट्ठी करके करीब 2000 किलो करीब इकट्ठी करी है और पूरी कॉलोनी का मुझे इसमें सहयोग रहा। जिससे भी हमने बात करी सभी ने हमें सामान भेजा। व्हाट्सएप से किस तरीके से क्या हमने आपने किया था? किरण विहार का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें मैसेज मैंने डाला था कि केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सामान भेज रहे हैं हम। पहले मैंने टारगेट था 250 किलो दाल का, 250 किलो चावल का, पर वो बढ़ते बढ़ते 2000 किलो तक पहुँच गया। उसके बाद मैसेज करने के बाद लोग खुद आपसे कॉन्टेक्ट करते खुद भी करा, थोड़े बहुत लोगों ने खुद भी करा, पर ज़्यादातर मैंने सोसाइटी के लोगों को फ़ोन मारा तो सब ने मतलब अच्छा जवाब दिया।